हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लोग जा रहे हैं दिव्यागर बीच। और अभी बजा है 5:30। अभी अपन निकल रहे हैं विमान नगर से और बीच है शायद 170 किलोमीटर है, जिसमें तो बता रहा है कि पहुंच जाएंगे अपन 4 घंटे में। अब देखते हैं कितनी देर लगती है अपने को। चलो आगे मिलते हैं। तो अभी अपन ये शिवाजी नगर का ये जो ब्रिज है ना, यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी अपन जस्ट 10 किलोमीटर ही आए यार विमान नगर से। ये ब्रिज मेरे को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। और अभी ट्रैफिक तो इतने बजे मिलेगा ही नहीं कहीं पे, ये अच्छी बात है। ये सोच के तो अपन निकले हैं इतने बजे। अभी अपन ने 28 किलोमीटर चल लिए हैं। ये जगह कोथरूडी होगी, चांदनी चौक के आगे आ गए हैं। और अभी यहाँ से अब सीधे स्टॉप लेंगे अपन तामनी घाट में, देख लेंगे अगर कुछ वाटरफॉल वगैरह चल रहा है तो थोड़ा फोटो वोटो ले ली जाएगी, नहीं तो सीधे अपना दिव्यागढ़ चलेंगे। अभी अपन तामनी घाट से कुछ 20 किलोमीटर दूर है और देखो बारिश शुरू हो गई है। क्या सही लग रहा है एकदम, बाहर का मौसम बहुत बढ़िया। घाट में भी ऐसी तेज बारिश होगी तो मजा आ जाएगा। चारों तरफ हरियाली है, वाह देखो क्या व्यू है ना, कितना सही है। अपन अब पहुंच चुके हैं मुलशी लेक। और ये देखो यहाँ राइट साइड में वो है रिवर, बहुत ही सही है। अपन जस्ट पहुंच चुके हैं तामनी घाट। ये देख सकते हो एकदम बादल पहाड़ को टच कर रहे हैं ये राइट साइड में। क्या सही लग रहा है यार, लग रहा बर्फ लेके यहीं शिफ्ट हो जाओ। हल्की हल्की बारिश, सामने भी फॉग जैसा दिख रहा है, देखो एकदम सामने देखो बारिश ही हो रही है तेज वहां पे लगता है। अब ऐसे मोड़ भी आएंगे डेंजर वाले, एकदम यू टर्न यहाँ तो यार बहुत पास में लग रहा है ना। यहाँ जो अपन दूर से दिख रहा था अपन अब उसी में आ गए। इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा उधर का, इसके पीछे क्या है, इतने पास में नहीं दिख रहा। गाइस ये देखो तामनी घाट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या रोड है क्या नहीं है, ना ऊपर दिख रहा है ना नीचे दिख रहा है ना आगे दिख रहा है। रोड भी ऐसा है पूरा गोल गोल, पर जो मजा है असली मजा तो बारिश में। ये देखो सामने कुछ पता नहीं चल रहा, वाओ।
बस दिव्या कर कितना बचा है 65 किलोमीटर पहुंचने वाले। मौसम बहुत अच्छा है, लग रहा बहुत तेज वाली बारिश होने वाली है। पर क्या सही जगह, क्या लोकेशन है, बढ़िया हरियाली में आ गए अपनी गाड़ी से प्रदूषण फैलाने। ये फिर तामनी वाली फील आ रही है ना, उसी टाइप का मौसम हो रहा है। बारिश होगी होने लगी तेज। अभी तक तो नहीं हुई, अपन जब से निकले हैं कि एकदम गाड़ी साफ हो जाए। अभी 8 बज गए हैं, हम लगभग 1.5 घंटे और लगेंगे। 103 चल चुके हैं और 63 समथिंग और बचा है। ये ऐसी जगह पे अचानक से तेज हो जाती है बारिश, पता नहीं कहाँ का पानी आ जाता है यहाँ पे अचानक से। जस्ट पीछे कुछ नहीं था और यहाँ आते से ही एकदम तेज बारिश मिल गई। वहां पर लगा ही रहा था ना कि अच्छी तेज होने वाली है। अभी बस 50 किलोमीटर और बाकी है दिव्या घर आने को। ये बारिश वगैरह तो बढ़िया हो रही है कई जगह। क्या हो गया, पलट गया। अगर 25 किलोमीटर और बचा है, आधा घंटा और लगेगा बस। अपन आ चुके हैं दिव्यागढ़। अपन निकले थे 5:30 पे, अभी हो रहा है 9:45, तो करीब करीब 5.5 से 5 घंटे लग गए हैं ना। कितना होगा, 4 घंटे होगा, जितना भी हुआ कैलकुलेट कर लेना आप लोग। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इसी के पीछे समुद्र है। ये देखो यहाँ तक है समुद्र का पानी। रोड तो एकदम खाली लगता है, हम ही लोग बस जा रहे हैं क्या इधर, इसी के पीछे आएगा डेस्टिनेशन। आ गया दिव्यागढ़, टर्न राइट।
600 meters. Turn right.